हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग फिर एरिया लिटिल 30 के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 6 से लेके आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं जितना हो सकता उतना ही करेंगे, ठीक। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो कम से कम तो देख लीजिए, है ना। क्लास 10th वाले को कम से कम रिकॉग्नाइज कर दीजिए कि सॉरी क्लास YouTube चैनल चला रहे हैं और ये वो दिस दैट, समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक कोण ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जनरेटर है, यहां पर कह रहा है क्या कि एक सर्किल है, एक कॉर्ड है ना, क्या कर रहा है जिसका रेडियस अभी ठीक से लग रहा है, जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, राइट। अभी क्या हो रहा है, हाँ, और एंगल 60 डिग्री का क्रिएट कर रहा है सेंटर पर, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हम माइनर निकालेंगे, ठीक, और कह रहा है पाई का वैल्यू और रूट 3 का वैल्यू ये पुट करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं दिया क्या क्या सब है। रेडियस दे दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री दिया है। तो माइनर सेगमेंट का जो आता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो बहुत लंबा फॉर्मूला है, पाई का वैल्यू का दिया है 3.14 इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू है ना, का गया थीटा, थीटा 60 है, अपॉन 360 माइनस 1/2 अभी ठीक से लिख पड़ जा 1/2 इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये इससे इसकी कहानी समाप्त, ये 6 टाइम्स में समाप्त, और भी कटेगा बिल्कुल कटेगा, ये 2, ये 5 टाइम्स में 2 से कटेगा, ये 1.57 टाइम्स में, है ना। तो 1.57 इंटू 15 5 75, राइट, माइनस 15 225 अपॉन 2 इंटू साइन 60 का रूट 3 अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं 75 का टेबल किस तरह से आता है, हाथ रहिए, अच्छा हाथ उठा नहीं सकते, 75 7 जा होता है 5 7 जा 35, ये हो गया 7 7 जा 49, 525 का 5 कैरी 52, 75 5 जा कितना होता है, ये जी सब बचे 375 और 52 375 और 50 हो गया आपको 425 और 2 427 का 7 कैरी 42, 75 और 42, 75 प्लस 40 हो गया 115 प्लस 2 117, दो अंक के बाद पॉइंट है हटा दिए चटक से, माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 22 जा 4। चलिए आप लोग बता रहे हैं किसको, सॉरी हाँ तो पहन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा बिना कॉपी पेन का यूज किए डायरेक्टली ओनली इसको मल्टीप्लाई कर डालिएगा, है ना। तो 173 का मल्टीप्लाई सबको टेबल तो आता होगा, क्या बात है, 865 का 5 कितने गया भाई, यहाँ पहले इसको लिखने दीजिए 117.75 माइनस, हाँ आप ठीक है, ये 4 173 5 जगह 865 का 5 कैरी 86.73 टू जा 346 और 86, वाह टेंशन हो गया, कोई बात, 346 और 86 हो गया, चाचा 432
432 का 2 कैरी 43 43, फिर वही हो गया 173, 2 हो गया 346 और 43 46 और 43 हो गया 389 पॉइंट भी आएगा। हाँ आएगा आएगा, यहाँ आएगा। अब करना क्या है अभी, देख जा एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हाँ 117.75 माइनस 4 से 49 जा 36 बचा, 2947 जा 28 बचा, 12 पॉइंट डाल के 43 जा 12 बचा, 541 जा 4 बचा, 142 जा 8 ये बहुत हो गया, छोड़ दीजिए इतना ही रन देते हैं। आगे कौन दिमाग लगाएगा उतना। हाँ कहाँ है हम लोग, यहाँ। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, अच्छा ठीक है बिल्कुल। फिर ये 77 हो गया 0, 11 में से नहीं गया तो बचा कितना 2, वाह बोला पार्ट निकला चूहा। तो इतना आया किसका, माइनस सेगमेंट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना। हाँ बिल्कुल। अब मेजर का निकालना, तो उसके लिए तो हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पाई का वैल्यू 3.14 × 15 × 15, यानी ये हो गया आपको कितना 3.14, उड़ा दे क्या बेटर रहेगा, उड़ा देते हैं 100। अभी रुक जा आप देखिए, 5 3 15 20 टाइम्स में, 5 3 15 4 टाइम्स में, ये 157, ये 2 टाइम्स में। हाँ आप ठीक है, तो क्या 9 9 7 63 कैरी 6 9 5 45 और 6 51 कैरी 5 9 1 9 5 14 ये होता है अपॉन कितने क्या पे 2 है, तो क्या 7 0 6 5, वाह बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो मेजर्स मेजर्स मेजरमेंट क्या होगा, तो मेजरमेंट क्या होगा, पुट कर देते हैं एरिया सर्कल माइनस माइनस मेजरमेंट, एरिया सर्कल कितना आ गया 706.5 माइनस 20.44 बराबर हो गया कितना, अच्छा यहाँ कुछ नहीं एक डबल जीरो डाल देते हैं, 2 पॉइंट्स करने के लिए 06, हाँ 6 में से 0 गया तो 6, और ये हो गया 70 में से 2 जाएगा तो 68, वाह 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेजर सेक्टर का, है ना। फटाक से इसको उतारिए, उसमें कह रहा कि a chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and the root 3 equal to 1.73 use करना. Right? Correct chord है AB जो इस सिग्नल सेंटर पे 120 degree एंगल सबस्टेंड कर रहा है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो यानी रेडियस दे दिया 12 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया 120 degree. राइट, तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट करा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये पाई का वैल्यू क्या दे दिया 3.14 इंटू आर का वैल्यू 12 इंटू 12 थीटा का वैल्यू कितना दिया 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर का वैल्यू कितना 12 × 12 × sin 120 degree, राइट है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, 12 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, है ना। तो हो गया 3.14 इंटू 12 × 4 = 48 माइनस ये 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल 72 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इक्वल टू होता है, ध्यान देना साइन 120 डिग्री इक्वल टू होता है साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट 3 अपॉन 2, यानी साइन 120 का वैल्यू क्या हो गया रूट 3 अपॉन 2 हो गया राइट। तो अब चलते हैं, ये 2 से ये कट जाएगा कितना 36 टाइम्स में राइट, तो 48 का डबल यूज होता है ठीक है, 48 फोर जा 8 फोर जा हो गया 32 और 4 फोर जा 16 192, 192 का 2 कैरी 19, 48 वन जा 48 और 19 हमें 20 उड़ लेते 68 रहेगा 67 कैरी 6, 48 थ्री जा 8 थ्री जा 24 और 4 जा 12 144 और 6 150, दोनों के बाद पॉइंट माइनस 36 इंटू रूट थ्री का वैल्यू 1.73। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 150.72 माइनस 36 थ्री जा होता 108 का 8 कैरी 1070 36 सेवन जा 352 और 10 352 का 2 कैरी 36 252 प्लस 10 252 और हाँ 262 का 2 कैरी 26 और फिर हो गया 36 वन 36 और 26 हो गया आपको कितना 62। तो उनके बाद पॉइंट्स 62 हो गया, अब करेंगे यहां पे ये हो गया 2 2 में से 8 गया था कितना बचा 4, ये हो गया 6 6 में से 2 गया था कितना बचा अभी यहां बचा 6 में से 2 गया कितना बचा 4 पॉइंट, ये हो गया नया कुछ नहीं ये हो गया 10 10 में से 2 गया था कितना बचा 8, ये 4 4 में से 6 गया 14 में 6 गया था कितना बचा 8 वाह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आगे बढ़ना तेजी में। अब क्वेश्चन नंबर 8 में करा है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइज 50 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना करा कि घोड़ा है जिसको एक स्क्वायर ग्रास मतलब स्क्वायर फील्ड है ग्रास का, उसमें एक यहाँ पर कॉर्नर पे बांध दिया गया है 5 मीटर के रोप के साथ, है ना ठीक। फिर करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन क्रीज, यानी ये वाला पार्ट ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना है जिसमें ये हॉर्स है ना ग्रेजिंग कर सकता है, ग्रेज कर सकता है यानी चढ़ सकता है खा सकता है अपना वो। फिर सेकंड में क्या कर रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द 5 मीटर, अगर इसके रोप को 5 से 10 मीटर कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए है ना ठीक, तो 10 मीटर जैसे ही कर दिया जाएगा तो कह रहा है कि ये जो इंक्रीजिंग होगा इसका एरिया क्या होगा, ये जो इंक्रीजिंग है उसका एरिया क्या होगा राइट। तो सबसे पहले तो जो पहले बोल रहा है उसका हम लोग निकाल लेते हैं, पहले देख लेते हैं थीटा कितना है 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री थीटा होगा ही होगा राइट। और रेडियस कितना दे दिया पहले वाले कंडीशन के लिए 5 मीटर तो आर वन मान लेते हैं राइट है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फर्स्ट कंडीशंस के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर यानी वेयर हॉर्स कैन ग्रेज है ना ठीक, तो क्या होता है पाई आर यहां पर 1 दे देते हैं स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई का वैल्यू क्या लेना 3.14 इनटू आर का वैल्यू 5 इनटू 5 थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 कैंसिल 9 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल ये 2 से 1.57 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो गया 1.57 इनटू 25 अपॉन 2 25 से 1 जा हो गया 175 कैरी 17 25 जा हो गया 125 और प्लस 17 125 और 17 हो गया 142 का 2 कैरी 14 25 1 जा 25 और 14 39 अपॉन 2 यहां हो गया, तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 बचा 1 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10
इतना मीटर स्क्वायर क्रीज कर लेगा, है ना। ठीक, अगर अब उसका 5 मीटर की जगह पे इंस्टेड ऑफ 5 मीटर द रोप, है ना, विल 10 मीटर, तो कह रहा है कि अगर इसका रोप 5 मीटर के इंस्टेड में 10 मीटर हो जाए तो इसका जो इंक्रीजिंग गेजिंग एरिया है वो निकालना है। तो इंक्रीज कितना किया, तो क्या करेंगे, इस पूरे के एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग एरिया निकल जाएगा, राइट। तो चलिए करते हैं, सेकंड, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, है ना। तो बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे, ध्यान दीजिए, तो बड़ा वाला सेक्टर का एरिया आर टू मान लेते हैं, इसका आर टू मान लेते हैं, तो क्या हो गया, पाई आर टू का स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर वन का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हम लोग क्या करते हैं, शेडिंग कर लेते हैं, इसका तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो डायरेक्ट पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10, थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 माइनस 19.625। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 ये 4 टाइम्स में कैंसिल, राइट, ये 2, ये हो गया 1.57। तो अब ये कितना हो गया, ये 100 से करेंगे तो हो गया 157 अपॉन 2 माइनस 19.625। ये हो गया आपको, 2 से करेंगे तो 27 जा 14, बचा 1728 जा 16.25 जा माइनस 19625। तो आप इसको जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 000 हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 7, है ना, ये हो जाएगा 4 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, ये हो जाएगा कितने क्या भी, हाँ ये हो जाएगा 7 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में 70 में से 9 गया तो बचेगा 8, ये हो जाएगा आपको 6 में 7 गया तो कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 5.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया इंक्रीजिंग एरिया होगा, है ना। तो बोला था इंक्रीजिंग, इंक्रीज द इन द ग्रेजिंग एरिया, तो ये जो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया हो गया, राइट, है ना। जल्दी से इसको उतार लीजिए तेजी में, और मैंने वो क्वेश्चन करा कि ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, है ना, कह रहा है कि एक सिल्वर वायर है जिसका एक सर्कल बनाया गया है, एक ब्रूच बनाया गया है, है ना, विद द डायमीटर 35 mm दिया, तो यानी डायमीटर दे दिया 35 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 mm हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। ठीक है, वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द 5 डायमीटर बनाने में भी यूज किया गया, ये डायमीटर है 5 to 5 to, है ना, उसको बनाने में यूज किया गया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है कि विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी ऑटो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा, 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 और ये भी थीटा, राइट। तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू हो गया आपको कितना, 360, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 10 यानी हो गया 36, राइट। चलिए करवा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर क्या कहा था, कि सिल्वर वायर से एक ब्रूच भी बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया, प्लस 5 डायमीटर भी बनाया गया, तो इस ब्रूच का सर्कमफ्रेंस जो सिल्वर के वायर से बनाया गया, सो प्लस 5 डायमीटर, इसकी लंबाई भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, तो उनको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी जो ब्रूच का जो सर्कमफ्रेंस है, यानी 2πr प्लस 5 डायमीटर ही बनाया गया है, तो 5d, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग, कहते हैं 2 × π का वैल्यू दिया, कुछ नहीं दिया, तो 22/7 × r का वैल्यू कितना दिया, r का वैल्यू दिया 35/2 प्लस 5 × डायमीटर कितना है, 35, ये 7 से कटेगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में कटेगा, ये 2 से ये 2 कट गया, 22 5 110 प्लस
35 5 175, तो हो गया 285 mm मिलीमीटर, है ना। टिक 35 5 175 5 8 2 5 110, दोनों को ऐड कर देते कितना हो गया 285 mm, है ना, लंबाई का ये तार होगा। फिर सेकेंड वन पैड है क्वेश्चन में क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर, इच सेक्टर, एरिया ऑफ इच सेक्टर, एरिया ऑफ इच सेक्टर। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं थीटा कितना है, 336 है, तो सेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू 35/2 × 35/2, थीटा का वैल्यू 36/360। ये कटेगा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में कटेगा। 7 से कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा। 2 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 11 टाइम्स में कटेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर ये और कुछ है क्या, हाँ काट ही देते हैं। 5 से कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा। अब तो कुछ नहीं है, तो अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 11 35 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, 11 5 55 कैरी 5, 11 3 33 और 5 38 अपॉन 2 2 4, तो 4 9 36 बचा कितना 2 24, 4 6 24 बचा 1, 4 2 8, 4 5 सा इतना mm स्क्वायर एरिया आ गया, एरिया ऑफ द इस सेक्टर इतना आ गया, है ना। टेक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लासेस में जानेंगे 10 से लेके आगे का, है ना। टेक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।